सो गाइस अब हम लोग देखने वाले हैं बनते हुए बोटी टिक्का। तो बोटी टिक्का जो है इसकी प्राइस मैं आपको बता दूं, ये 200 का फुल है और 100 का हाफ है। तो अब इस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉसेस लगाए जा रहे हैं, तंदूरी सॉस एक्सेट्रा। आप लोग देख सकते हैं जितना दिखने में अच्छा लग रहा है उतनी ही अच्छी इसकी स्मेल भी आ रही है। यहाँ पर आपको तरह तरह के आपको डिशेस मिल जाएंगी, यहाँ पर आइए और इन डिशेस को एक्सप्लोर करिए। आज हम लोग बनते हुए देख रहे हैं बोटी टिक्का। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और ऐसे टेस्ट और अमेजिंग डिशेज को ट्राई करें। और हाँ, ट्राई करें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको डिश कैसे लगी। तो ये न्यू दिल्ली जूस एंड चाप कॉर्नर का मेन्यू है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि तरह तरह के चाप हैं, जूसेज हैं और इनके प्राइसेज भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आइए और इन डिशेज को ट्राई करें। तो बोटी टिक्का है, उस पर तरह तरह के सॉसेज लगाने के बाद, बटर लगाने के बाद इसे अब पलटा जा रहा है और अब इस पर दोबारा बटर लगाया जा रहा है। तो मतलब बटरी बटरी। और अब इसके बाद इसे क्या किया जाएगा, इसे तंदूर पर फ्राई किया जाएगा। इसे देख सकते हैं आप, इसे चढ़ा दिया गया। इसके बाद ये फ्राई हो जाएगा और अच्छी तरह से क्रिस्पी और खाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 200 फुल एंड 100 हाफ। तो यहाँ पर आइए और इसे ट्राई कीजिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस मिल जाएगा। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये न्यू दिल्ली जूस एंड चाप कॉर्नर की स्पेशलिटी है ये बोटी टिक्का। अब इसे दोबारा पलट के दोबारा चढ़ाया जाएगा। देख सकते हैं आप, ये कितना अमेजिंग लग रहा है। फ्राई हो चुका है और काफ़ी इसे दोबारा और फ्राई करके और अच्छा बनाया जाएगा और क्रिस्पी बनाया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फ्लेम के अंदर कितना अच्छा लग रहा है। तो ये जो बोटी टिक्का है वो बन फ्राई होकर तैयार हो चुका है और अब इसकी पैकिंग की जाएगी। जो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना अमेजिंग लग रहा है देखने में, जितना देखने में अमेजिंग है उतनी इसकी स्मेल भी अमेजिंग है, खाने में भी उतना अमेजिंग लगे हैं। लेकिन अगर खाना है तो यहाँ पर आना पड़ेगा न्यू दिल्ली जूस एंड चाप कॉर्नर, यहाँ पर आए और इसे खाएं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई वीडियोज आपको मिलती रहे। सो इन दी एंड, बाय बाय, जय हिंद जय फूडीज़।